वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये रेड संदल का सीड हमने कुछ दिन पहले लगाया था, आज तकरीबन इसको कोई 7-8 दिन हो गए हैं। इसको चेक करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट था। मिट्टी कुले टाला है इधरों, फिर तसली नाल चुक के थे दोबारा इनू कर लांगे। ये सागवान था, सागवान की जर्मिनेशन तो कोई नहीं हुई, 0% है। ये संदल है, संदल की जर्मिनेशन जो आप बोल सकते हैं कि तकरीबन कोई 2-3% हुई है। ठीक है, ये देख रहे हैं, चले देखते हैं। ये दो तरीकों से लगाया था, एक इस तरह बेड की शक्ल में और एक इस तरह इसको कपड़े के अंदर। एक मिनट, हाँ ठीक है, चुकला। ये अच्छा, चढ़ी एक बारी ना इन एवं रहन दे, थैली नू ना पोली कर, उन्होंने भी नाल ये जे पौधे ने ना जिन्ने हुए गए ने, इन्हों 10-15 पौधे जड़े ना काढ के वो आप थैली चला दें, वो भी नाल इत रख देंगे इन बेच ही। बाकी अगे रहन देना, की आता तेरा ख्याल? आहो 10-15 थैलियाँ लै आना, सारे नहीं चेंज करते, 10-15 चेंज कर लें, अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर आप सारे इवें क्ड के लाई जाएंगे। ये कुछ इस तरह इसमें से भी निकले हैं, लेकिन इसकी जर्मिनेशन कम है, इसकी जर्मिनेशन ज़्यादा है। तो ये अब हम निकाल के ना इसको थैली में लगाने लगे हैं, और बाकी जो रह जाएगा इसको ज़मीन के अंदर, जैसे ये बी सीड लगाया था वैसे लगाने लगे हैं। सागवान का जो है सीड वो तो बिल्कुल ही नहीं निकला। ठीक है, चलें चेक करते हैं। ये देखें, ये इसको ये आगे से ना खुश्क हो गया, इसको अल्लाह ताला की कुदरत है ना, इतना सख्त सीड है, इसको ऐसे भी करने से नहीं निकल रहा, लेकिन इसमें से ये इतना नरम पौधा बाहर निकल आया। ये देखो, चलें ये अब चेंज करते हैं इसको, फिर बाद में इसकी इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे।